सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय और आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल में। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ONGC के तरफ से वैकेंसीज आई हुई हैं। कुल मिला के अगर मैं बात करूँ तो 3809 आई हुई हैं, लेकिन 6 डिफरेंट डिफरेंट शहरों में आई हुई हैं। तो मैं वो 6 शहरों के लिए अलग अलग वीडियो बनाऊँगा, तो आपको अगर कहीं भी अप्लाई करना हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं वीडियो स्टार्ट कर देता हूँ और मैं बता देता हूँ कि आपको 6 की लिंक आपको नीचे मिल जाएगी, जैसे धीरे धीरे अपलोड होंगी तो आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आप 10th पास हो और ITI किए हुए हो, 10th पास हो ITI किए हुए हो, तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ONGC मेहसाना रिक्रूटमेंट 2017 फॉर अप्रेंटिसशिप जॉब्स। फॉर्म टाइप ये ऑफलाइन है, आपको ऑफलाइन पे करना होगा, लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना है। मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ पे करना है या कहाँ पे आपको फॉर्म अप्लाई करना है। अगर मैं यहाँ पे देख सकते हैं, लास्ट डेट है ये 3 नवंबर 2017 तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। टोटल वैकेंसीज की बात करें तो इस सिर्फ मेहसाना पोस्ट में 450 है, अभी और भी 5 जगह हैं, उसकी भी कुल मिला के 3809 पोस्ट आई हैं। तो यहाँ पे ही सिर्फ 450 पोस्ट है। तो यहाँ पे अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो ONGC मेहसाना ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, लोकेशन ऑल इंडिया जॉब्स है, ये गुजरात गवर्नमेंट जॉब्स आई हुई है। जॉब कैटेगरी ये सरकारी नौकरी है। अगर आप क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगा गया है यहाँ पे, अगर आप 10th पास हो या फिर ITI पास हो तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करूँ तो एप्लीकेशन ये 16 तारीख को आई हैं, जिसे अगर आज से स्टार्ट हो चुके हैं ये फॉर्म फिलअप करना, जो कि ऑफलाइन है। लास्ट डेट आप इसे कब तक कर सकते हैं वो है 3 नवंबर तक। एप्लीकेशन फीस आपको एक भी नहीं लगेगा। अगर मैं वेरियस वैकेंसी डिटेल की बात करूँ तो यहाँ पे है वैकेंसी डिटेल, अकाउंटेंट 9 है, केबिन रूम अटेंडेंट, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर, यहाँ पे सारी पोस्ट सेम है। वहाँ पे भी जितने भी आए हैं 3809 पोस्ट, सबकी ये पोस्ट नेम सेम है, लेकिन यहाँ पे जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो सिर्फ चेंजेस हैं। तो इसकी मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो अगर आप जिसमें भी आपको करना है, आप जिसमें इच्छुक हो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। और मैं आपको इसकी PDF जो कि आई हुई है ऑफिशियल लिंक, उसके मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो कुल मिला के 450 पोस्ट हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, 10th और ITI अगर आप पास है तो आप इसे बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ एज लिमिट की बात करूँ तो एज लिमिट एज ऑन 1/11/2017 मतलब 1 नवंबर 2017 में आपके मिनिमम 18 साल होने चाहिए, मैक्सिमम 24 साल होने चाहिए। लेकिन आपको पता है दोस्तों कि ये जनरल की एज है, आपको ST SC OBC और फिजिकल हैंडीकैप्ड और एक्स सर्विसमैन की रिलैक्सेशन मिलता है एज में, तो उसकी आपको टेंशन नहीं लेना है। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करूँ तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपको मेरिट के बेसिस पे होगा। अगर मैं यहाँ बात करूँ आपको अप्लाई कैसे करना है, तो द कैंडिडेट कैन अप्लाई थ्रू ऑफलाइन मोड, ऑफलाइन एप्लीकेशन विल बी अवेलेबल टिल 3rd November 2017। उसके बाद मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ पे आपको ये फॉर्म मिल जाएगा और कहाँ कैसे आप अप्लाई करेंगे। तो जो ये वाली फॉर्म अप्लाई करेंगे ONGC मेहसाना एसेट, उसको कहाँ पे आपको ये मैं आपको जैसे कि बता दूंगा, पोस्टल एड्रेस यहाँ पे आपको सेंड करना है आपको ये फॉर्म। तो ICICHRER ONGC मेहसाना एसेट, KDM भवन पलवाशाना मेहसाना, 384003 है पिन कोड, यहाँ पे आपको सेंड करना है। अगर मैं इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आ जाके आपको दिखा दूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको इसे प्रिंट आउट करवाना होगा या फिर पहले आप पढ़ लीजिए। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसे अप्लाई कीजिए। यहाँ पे सारी दी हुई है कि 10th के लिए क्या है, 12th के लिए क्या है, ITI के लिए क्या है, और अगर आप डिप्लोमा किए हुए हो, ग्रेजुएट हो, सबके लिए यहाँ पे आई हुई है पोस्ट। तो यहाँ पे जैसे कि मैं आपको सीधे बता दूँ, ये तो आपके बेसिक गाइडलाइंस है, तो ये आप खुद पढ़ लेना। ये देख सकते हैं ये आपकी फॉर्म है, आपको अपना यहाँ फॉर्म, आपको यहाँ पे अपना एप्लीकेशन फॉर्मेट है, यहाँ पे आपको अपना नाम, आपको यहाँ पे अपना फोटो लगाना होगा, ट्रेड अप्लाइड फॉर आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हो, वर्क सेंटर अप्लाइड फॉर आप कहाँ कौन से सेंटर में अप्लाई कर रहे हो, अपना नाम लिखना होगा, जेंडर लिखना होगा, फादर्स नेम आपको लिखना होगा जो कि 10th के सर्टिफिकेट में था, वहाँ पे यहाँ पे आपको अपना फादर्स नेम मदर्स नेम लिखना होगा, डेट ऑफ बर्थ आपको लिखना होगा जो कि 10th के स्टैंडर्ड के सर्टिफिकेट में है, यहाँ पे आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिखना होगा, मेट्रिकुलेशन की अगर आप ITI किए हो तो
और परसेंटेज क्या है, सर्टिफिकेट नंबर क्या है, अदर क्वालिफिकेशन अगर आप ग्रेजुएट हो, डिप्लोमा किए हो, पोस्ट ग्रेजुएशन किए हो, तो सबको आपके अपने यहाँ पे यार आप पासिंग लिखना है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन लिखना है, आप किस इंस्टीट्यूट या किस कॉलेज से पास किए हो, कितने परसेंट ऑफ मार्क्स आए हैं, और आपको सर्टिफिकेट नंबर लिखना है। कैटेगरी ऑफ कम्युनिटी एस सी हो, एस टी हो, ओ बी सी हो, जनरल हो, वेदर पी डब्ल्यू डी मतलब फिजिकल हैंडीकैप्ड हो या नहीं हो, यस या नो में करना है आपको यहाँ पे। मोबाइल नंबर की अगर बात करें तो आपको यहाँ मोबाइल नंबर आपको डालना होगा, ईमेल आईडी डालना होगा, आधार कार्ड नंबर डालना होगा आपको यहाँ, पैन कार्ड नंबर डालना होगा, परमानेंट एड्रेस आपको डालना होगा। आई हैव नॉट अंडरगोन अप्रेंटिसिप ट्रेनिंग अर्लियर, अगर आप अप्रेंटिसिप ट्रेनिंग नहीं किए हो इससे पहले तो यस करो, अगर किए हुए हुए तो आपको नो करना होगा क्योंकि आप किए हो। यहाँ पे आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि आई हियर बाय सोलमनली एंड सिंसियरली अफर्म दैट पार्टिकुलर फर्निश्ड अबव आर ट्रू एंड करेक्ट, यहाँ पे आपको बोला गया कि आप जो भी यहाँ पे डिटेल दे रहे हो अपने वो पूरे सही है और सब कुछ आप जिम्मेदारी से दे रहे हो। आपको यहाँ पे अपना साइन करना होगा और उसके बाद फिर यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि क्या क्या मांगा गया है। चेक लिस्ट ऑफ इनक्लोजर्स, सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज, एसएससी मैट्रिक मार्क लिस्ट एंड प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ आपको देना होगा। आईटीआई अगर की है तो आईटीआई की मार्क्स लिस्ट देनी होगी, कम्युनिटी सर्टिफिकेट की देनी होगी आपको ये। उसके बाद अगर आप फिजिकल हैंडीकैप्ड हो तो उसकी देनी होगी, आधार कार्ड की कॉपी देनी होगी, लेकिन कुछ स्टेट्स में ये नहीं देना, अगर आप कुछ स्टेट से बिलोंग करते हो जैसे कि आसाम, मणिपुर एंड जम्मू एंड कश्मीर, तो आपको नहीं देना होगा। और इसके बाद आपको यहाँ पे भेज देना है जहाँ पे मैं आपको एड्रेस बताया था, यहाँ पे आई सी एच आर ई आर ओ एन जी सी महसाना एसेट के डी एम भवन पलवासना महसाना 3,38,384,003 में आपको भेज देना होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया है, अगर आप 10th पास हो तो आप इसे अप्लाई कर सकते हो, आप इस फॉर्म को अच्छे से पढ़ लेना, आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी। उसके बाद मैं अगर आपसे बात करूँगा नेक्स्ट वीडियो में कि दूसरी, ये तो आई हुई है महसाना में, तो अगर मैं दूसरी बात करूँगा तो वो कहाँ उस वहाँ पर क्या क्या पोस्ट आई हुई है, सेम प्रोसेस है लेकिन क्या क्या वैकेंसीज हैं वहाँ पर, कितने ज़्यादा हैं नहीं है, वो मैं आपको बताऊँगा। अगर आप वहाँ भी अप्लाई करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें। और जी हाँ नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इसी तरह से जॉब रिगार्डिंग अपडेट नोटिफिकेशन आपके लिए लाते रहते हैं। तो जी हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।